तीन वैकेंसी बताऊंगा अलग अलग डिपार्टमेंट की है और लॉ से रिलेटेड ही वैकेंसी है सारी। इसमें वैसे 1700 वैकेंसी आई है ऑल ओवर, टोटल देखोगे तो 1700 वैकेंसी है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड आफ्टरनून। आज अपन वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, एक तो फ्रेशर के लिए है और दो वैकेंसी एक्सपीरियंस मांगा है, और तीन वैकेंसी बताऊंगा अलग अलग डिपार्टमेंट की है और सारी चीज डिटेल में बताऊंगा। कैसे लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, दो वैकेंसी की तो अभी है लास्ट डेट, इसलिए वीडियो विदाउट स्क्रिप्ट करके देखना, कुछ छूट गया तो आपका ही नुकसान है, और जो जो एलिजिबल है वो फिल कर सकता है वैकेंसी, और लॉ से रिलेटेड ही वैकेंसी है सारी। सबसे पहले वैकेंसी जो फ्रेशर की है उसकी बात कर लेता हूँ, गुवाहाटी हाईकोर्ट में आई है और ये लॉ क्लर्क की वैकेंसी है और 7 वैकेंसी आई है। ये नोटिफिकेशन 21 जुलाई 2023 का है, ये फॉर्म स्टार्ट हो गए थे 26/7/2023 से और लास्ट डेट है इसकी 11/8/2023, मतलब 11 तारीख आने वाली है, आज 9 तारीख है तो ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो इसलिए वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। वैसे एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, फिर भी ये वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा क्योंकि कुछ वैकेंसियों का टाइम ज्यादा बचा नहीं है। 11 अगस्त 2023 लास्ट डेट है और जो फीस की लास्ट डेट है 16/8/2023 लास्ट डेट है फीस की। अब इसकी बात कर लेते हैं, एज बता देता हूं, अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 40 है मैक्सिमम, ओबीसी एमओबीसी के लिए 43 है, एससी के लिए 45 है, एसटीपीएसटीएच उसके लिए 45 है और फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 50 है, ये मैक्सिमम एज है। अब मतलब कौन कौन क्वालिफाई है इसके लिए, देखो कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ, मतलब लॉ की डिग्री होनी चाहिए, और प्रेफरेंस उनको देंगे जो प्रैक्टिसिंग बार है, प्रेफरेंस है मतलब प्रेफरेंस देंगे, जरूरी नहीं कि आपके पास एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने एनरोल करा रखा हो प्रैक्टिस करते हो बार में उनको प्रेफरेंस देंगे। तो फ्रेशर की ही पोस्ट है, फ्रेशर जो ग्रेजुएट हो चुके हैं लॉ कर ली वो अप्लाई कर सकता है इसके, अपेयरिंग वालों का कोई ऑप्शन नहीं है, लॉ ग्रेजुएट लिखा हुआ है तो अपेयरिंग वाले फिल नहीं कर सकते, केवल वही फिल कर सकते हैं जिन्होंने लॉ ग्रेजुएट कर ली है, और बाकी आप लोग पढ़ सकते हो ढंग से, फोटो आ रही होगी सब चीजों की। सिलेक्शन प्रोसेस ही बता रखा है, रिटर्न एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप 120 मार्क्स के, 2 घंटे का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जनरल नॉलेज आएगी उसमें और लॉ से रिलेटेड 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीजें हैं, फोटो लगा दूंगा सिलेक्शन प्रोसेस का, आप लोग ये देख सकते हैं। और स्टेज 2 में इंटरव्यू होगा 15 मार्क्स का, ये भी लिख रखा है साफ। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है आपको, ये www.gscionline.government.in में चल जाना, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, ये फोटो लगा रहा हूं और ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आपको नोटिफिकेशन ही मिल जाएगा। फीस बता देता हूं, एप्लीकेशन फीस है एससी एसटीपीएसटीएच उनकी 150 है, अदर के लिए 300 है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए निल है, कोई फीस नहीं है फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए। और ड्यूटी व्यूटी बता रहा है कि लॉ क्लर्क की क्या ड्यूटी रहेगी, फोटो लगा देता हूं आप लोग पढ़ लेना। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी, जो नेक्स्ट वैकेंसी आई है वो कहां आई है। देखो इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, लॉ ऑफिसर की कहीं पे वैकेंसी है बताता हूँ, सिविल जज की कहीं पे वैकेंसी है बताता हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चाहे फ्रेशर की हो एक्सपीरियंस वाली हो, मैं अपडेट देता हूँ इस चैनल पे, चाहे ऑलरेडी एम्प्लॉय हो, एक वैकेंसी जो ऑलरेडी एम्प्लॉय है उनके लिए है, और वैकेंसी वैसे बहुत सारी निकली है इस डिपार्टमेंट में, मैं बात करता हूँ। ये कोल इंडिया में निकली है वैकेंसी और ये 1 अगस्त का नोटिफिकेशन है, अब आप देखोगे ना इस नोटिफिकेशन में वैकेंसी बहुत सारी निकली है, इलेक्ट्रिक फाइनेंस, अपन लीगल की बात करेंगे जो 8वें नंबर पे है, ये हर कोई फिल नहीं कर सकता है, बताता हूं कौन फिल कर सकता है। इसकी 4 अगस्त 2023 से स्टार्ट होगा, 2 सितंबर 2023 लास्ट डेट है इस फॉर्म की। इसमें वैसे 1700 वैकेंसी आई है ऑल ओवर, टोटल देखोगे तो 1700 वैकेंसी है, और इसमें आप 7 पॉइंट देखोगे ना, उसमें लीगल देखो, लीगल में 22 वैकेंसी है और 16 जनरल के लिए है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 2 है, बाकी के लिए निल है, लीगल की 22 वैकेंसी है टोटल। अब ये फिल कौन कर सकता है, सबसे बड़ी बात आती है फिल कौन कर सकता है, देखो इसमें लीगल के लिए क्वालिफिकेशन है लॉ ग्रेजुएट, और जो ऑलरेडी देखो इस नोटिफिकेशन को पढ़ोगे ना आप, सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ो क्या लिखा है, नोटिफिकेशन को पढ़ो, फॉर प्रमोशन एंड सिलेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट एम्प्लॉय,
टू एग्जीक्यूटिव कैडर, मतलब ये ओनली डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज के लिए वैकेंसी है, हर कोई फिल नहीं कर सकता। मैंने आपको इसलिए पहले बता दिया था, और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे ऑलरेडी जो नौकरी कर रहे हैं वो भी देखता है वीडियो, जो फ्रेशर है वो भी देखता है, जिसका एक्सपीरियंस है वो भी देखता है। तो मैं सारे टॉपिक कवर करता हूँ इस चैनल पे, कोई मिस ना हो जाए, इसलिए मैं इस वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ, और जो ऑलरेडी इस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय है वो फिल कर सकता है। बाकी मैं इसमें डिटेल में जाऊंगा नहीं, इतना ही मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड वैकेंसी है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में आई है, 1 अगस्त को आई थी ये वैकेंसी, मतलब 1 अगस्त से ऑनलाइन चालू हो गए फॉर्म, और 14 अगस्त लास्ट डेट है इसकी। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी www.kashmiryuniversity.net, ये ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको। अब इसमें बात करते हैं, लीगल असिस्टेंट की 2 वैकेंसी आई है, और एज है इसकी मिनिमम 18 और मैक्स और 40 है मैक्सिमम, और फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 42 है और 50, मतलब फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 42 है, 43 है एससी एसटी आरबीए एलएसी पीएसपी ईडब्ल्यूएस। ये ओनली एप्लीकेशन फॉर्म है इनवाइट फॉर्म डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, ये वही फिल कर सकते हैं जो जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल है, साफ साफ लिखा है नोटिफिकेशन में, कोई कंफ्यूजन ना हो। और इसकी क्वालिफिकेशन ही बता देता हूँ, LLB होनी चाहिए, 5 ईयर हो चाहे 3 ईयर हो, और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ये मैंने आपको बता दिया, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ही बता दी, और बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं। कोई भी डाउट हो आपके मन में तो इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे मैसेज कर देना, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। और चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर जाना, बेल आइकन भी दबा देना, जैसे इसकी इनकी लास्ट डेट 1/11 1/14 है वो मिस हो जाएगी। और 1 वैकेंसी तो कोल डिपार्टमेंट वालों के लिए, जो देख रहा है वो फिल कर सकता है। तो आप लोगों को मैंने अपडेट दे दी है लॉ वैकेंसी की, सब्सक्राइब जरूर कर जाना, और इंस्टाग्राम आईडी आ रही है फॉलो भी कर लेना। हाय हेलो मत लिखा करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो जो क्वेश्चन है, मैं रिप्लाई कर दूंगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।